अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन यार इतने फैंस मिले ना यार, आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया क्योंकि आज शॉपिंग करने पूरी रात ही मतलब शॉपिंग करी, सोया ही नहीं यार। कल से इतने फैंस मिले मुझे और मैं फैंस से भी सही से मिल नहीं पाया, तो उसके लिए सॉरी यार, क्योंकि एक्चुअली मैंने सही से नींद नहीं करी हुई थी और बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो फटाफट से रेडी शेडी हो जाते क्योंकि हमें ईद की नमाज़ का टाइम हो गया है, फिर आप लोगों से मिलते हैं तैयार होने के बाद। भाई 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 अब्दुल एमजे देखो भाई यार, तो भाई हम लोग जा रहे हैं अभी नमाज पढ़ने के लिए और कल से मेरी सुबह मेरी आंखें रेड हो रही है, तो इसे इग्नोर करो यार। भाई यार फटाफट से हम लोग नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं यार, क्योंकि नमाज निकल रही है यार, और नमाज निकल जाएगी इसकी तो अच्छा लगेगा नहीं ना। भाई यार अरेबिक बैठ गया, बेकल्ट्रा बैठेगा, एकल्ट्रा बैठो बैठो, आप बैठो प्लीज आप बैठो। यार नमाज की टेंशन है, नमाज पढ़ ले फिर तो पेट शिरकुरमा खाएगा ना मीठा मीठा। नमाज पढ़ने के लिए अबे अम्मा के zakat liya jaiz na hai, baaki ke alawa ye ka khair khair aata hai sabka jitr na khabar aabe ke sath hamdardi ka dua aata cm ke sath dekhi ke samne hota to phir hi na to ye wo kitani ke aur sab do wahan se to aaj hum apne eid mubarak आज हो ना यार, एकलता पाओ ना, ईद मुबारक। खाली ऐसे नहीं, ईदी के साथ ईद वो तो बाहर चलो फिर होगा, हर चीज होगा, फिकर नहीं करो। भाई यार मेरा फैंस मिला है, आपका नेम जस्सू मुदस्सिर, और मुदस्सिर कैसे ईद तो मिलो यार, ईद मुबारक। अब्दुल जी मैं भी आपका फैंस हूं यार, मुबारक। मैं भी फैन आपका। और सुनाए कैसे ईद है? ईदी चाहिए मुझे, ईदी नहीं है तो आप मुझसे ले। यार मैं भी आपका फैन हूँ, मुझे पर ईदी देनी पड़ेगी आपको। वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, भाई चलो फिर आपके साथ होगा सेम। और मुदस्सिर भाई थैंक यू सो मच, सही है, टेक केयर, बाय बाय। एक अल्ट्रा तुम्हें एक डियर दो करोगे, एक अल्ट्रा तुम्हें डियर दो एक करोगे। इन सबसे ईद तो मिल, ईद मुबारक तो इन सबसे कर नहीं सकते, लेकिन इस आवाज़ इतनी आवाज़ में चिल्लाना है कि सब सुन ले। ईद मुबारक में ऐसे नहीं बोलना, आपको ऐसे बुलाए, ईद मुबारक गाइस, एवरीवन। कोई सुन रहा ही नहीं है गाइस, देखे ईद मुबारक। तो भाई यार एक और फैन मिला है, आपका नेम मोहम्मद आया। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और सुनाए यार भाई? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। और बता भी खिदमत करो, हुक्म करो। ओके चलते जाओ चलते जाओ, बस फौरन से घर जाना है। और भी फैंस मिल गए देखे यार, ये क्या हो रहा है, केल्टा फैंस पे फैंस मिल रहे हैं। अभी बच्चे आए थे, बोले अब्दुल एमजे हाँ, तो मैंने अच्छा हुआ थोड़ा सा लेट कैमरा स्टार्ट करा। चल चल के पाँव में दर्द हो गया, और पीछे मस्जिद में भी अभी नमाज होने वाली है ना। लेकिन हम लोग जहाँ पर मस्जिद में कहते हैं वहाँ पर थोड़ी जल्दी हुई थी। आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही हो। यार पाँव में दर्द हो गया चल चल कर यार, एक तुम्हारी वजह से हुआ सब, सांस फूल गया गाइस, इतना ज़्यादा पैदल चल चल के। यार ये सिर्फ एक केल्टा और बाबर की पॉलिसी थी कि मैं पैदल चलूं, और फिर मैं फाइटिंग ही नहीं कर पाऊंगा ईद की, ईदी कैसे लूंगा यार, इनों से फाइटिंग कैसे करूंगा, लड़ाई कैसे करूंगा। ये सब इनों की पॉलिसी थी, इनों की चाल थी, देख रहे हैं। अब हमारा घर पहुंच गया गाइस, मैं तो बहुत थक गया, अब थोड़ा सा सोऊंगा ही। और यार आज के दिन और कल के दिन मुझे इतने फैंस मिले ना यार, कसम से रिकॉर्ड टूट गया। सो गाइस यार असल में मैं शिरकुरमा वगैरह दिखा नहीं सका, हमें क्योंकि ईद के बाद खानी पड़ती है ना, तो यार मैं देखे सो गया था, इतना मतलब थक गया था ना, 3 घंटे 4 घंटे नींद कर ली थी क्योंकि कल रात का जगा हुआ था, पूरी रात शॉपिंग कर रही थी। गाइस यार सीन कुछ ऐसा हो गया, मैंने बनियान पहना हुआ है और फैंस आए अपने सिस्टर को भी लेके, पता नहीं क्या मेरे घर पर। यार भाई यार फैंस आ गए मिलने के लिए, देखे कौन आया मिलने के लिए। अरे यार वालेकुम अस्सलाम, क्या चल रहा है अंदर? बहुत यार आपसे सेल्फी चाहिए थी, मैंने बोला कि आपका अगर टाइम दे, सेल्फी अगर चाहिए ना तो ईदी चाहिए सबसे पहले मुझे। मैं खुद इसी ईदी मांग रहा हूँ भाई से, ये आ जाएगा तो यहाँ से भेज दूंगा। सही है सही है। ओके तब देखे फैंस कौन है भाई। तो यार आ चुके बीरो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ईद मुबारक। और सुनाए कैसे आप लोग? कजन है इसके लिए मैं आया हूँ। अच्छा कजन है आपकी? सही। और आपके लिए मैं आज गिफ्ट नहीं लाया। कोई बात नहीं, ईदी चलेगी, ईदी है ना। <नहीं, laughs>
जल्दी रखे मैं यूट्यूबर मानते हो इन भाई को ले लो फिर गाइस देख सकते हो आप अब्दुल अहमद जी रिक्वेस्ट कर रहा है ईदी ले लो ले लो ले लो भाई ये क्या सीन हो रहा है यार ये क्या सीन हो रहा है यार यार ये गलत किया है आपने सारे जो हमारी फैमिली है सारे आपका ही प्रभाव दिखा रहा है माशाल्लाह आपने ईदी नहीं दी बस भाई गलत किया आपने चलो अमीर बंदा भाई लगा पड़ा है कहाँ गरीब है अब ये ईदी अभी बनती है गाइस यार मुझे भी केले तारीफ करनी चाहिए थी बस अब क्या करें भाई आपको देंगे याद भाई असल में याद भाई की इस टाइम असल जेब खाली है खाली है असल में डायरेक्ट मैं किसी के मतलब कहने भी आया हूं चलो अभी भी दो दिन पड़े देखते हैं आपको वापस आज ही दे दूंगा थैंक यू सो मच चलो भाई ईदी आने वाली है अब बस चलते हैं हम भाई पंपी का लुक चेक करें गाइस आओ पंपी भाग भाग क्या हो जाए झूला झूले आ जाओ पंपी को भाई झूला झुलाऊंगा मैं झूला झूले सीन कुछ ऐसा है यार ईद की सेलिब्रेशन वगैरह हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत 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 मजा आने वाला है समझे तो फिर चलो चलो जा रहे बाबर जल्दी से आ जाओ मैं शूज अपने पहन लूं हिम्मत चलो यार जल्दी चलो जल्दी मेरे शूज निकालना मेरे शूज नीचे से जल्दी निकालो जल्दी से वेरी गुड ऐसे होते हैं ना भाई चलो अब अपने हाथों से पिनाओ चले चलो 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 मोटू फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए मरहबा रेस्टोरेंट पर और सेलिब्रेशन वगैरह भी करनी है ईद है यार और ईद में तो मज़ा ही मज़ा होगा ना आप लोगों को भी पता है तो खुला है ना अरे भाई डॉग देखे कैसे पीछे भाग रहा है गाड़ी के पंपी को भाई अंदर ही रखो पंपी के पीछे नहीं पड़ जाए डॉग एक एल्ट्रा ने मुझे गिफ्ट कराए केक ईद का और नेम भी लिखवाया यार वो कॉपीराइट नहीं लगे यार देखे आप हाय हाय अब्दुल एमजे ईद मुबारक अब्दुल एमजे यार थैंक यू सो मच बज रहा है क्योंकि मैंने जो केक दिलवाया ना पैसे खर्च करके सीरियसली यार मुझे तो डर लग रहा है कॉपीराइट बस नहीं लगे गाना बंद करवाओ ना यार सॉन्ग वगैरह एमजे के फैन आ गए माशाल्लाह से कैसे हो आपका नेम अब्दुल एमजे यार आप इससे ईदी नहीं लोगे ईदी नहीं लोगे भाई से यार वैसे आपको देनी चाहिए आप, है मेरे पास। आपने ईदी नहीं दी हमें और आपका नेम क्या है यार क्या यार बच्चों के पास ईदी नहीं है आपका नेम क्या है और कैसे हो ठीक हो यार ये छोटा बच्चा माशाल्लाह से और भी क्यूट है हम लोग ऑर्डर शोर्डर दे रहे हैं अपने अपने लिए तो सब फैमिली ने तो दे दिया अपने लिए और बैकग्राउंड में आई होप कॉपी राइट नहीं लगे तो हम लोग दे रहे हैं चिकन बर्गर मेरे लिए ब्रदर सही है चिकन बर्गर अपने लिए दो बाबर अपने लिए दे रहा है गाइस अहमद तुमने दे दिया बाबर वो हबीबी वाली वो मंगाएगा मैंने दे दिया क्या दिया है मैंने माजिद भाई को बहुत खाना खिलाना है मुझे सही है मतलब ये बर्गर के आप ही पैसे भरोगे ओके डन बहुत दूर से यार बर्गर फ्री में मिल जाएगा पंजाब से पंजाब से जी मैं भी बर्गर बर्गर दो चिकन बर्गर अहमद तुम दो आपका जिंगर इनके दो चिकन बर्गर टाइम आ चुका है केक कट करने का तो आप देख सकते हैं ईद मुबारक अब्दुल एमजे तो पंपी भी बैठ गया है क्योंकि ये हमारा मेन है ना भाई करेक्टर तो बस ये देखो सऊदी अरब से आया है अरे देखो टेंशन वाली बात नहीं है ओए होए माशाल्लाह क्या लुक लग रहा है तुम लोगों का आ जाओ अहमद
खड़े हो आ जाओ 10 सेकंड गिन रहा हूं मैं अगर तुम लंबी है मैं कट कर लूंगा 1 2 सवाल कमेंट्स में 4 5 6 7 8 9 ऐसे नहीं थोड़ा यहां बैठ जाओ इधर आओ ना अच्छा काम सिखाया ओके कोई चीज खराब हो आ जाओ चलो भाई मुबारक ईद मुबारक केक ला गया सबसे पहले पंपी को पंपी लो खाओ तरीके से खाएंगे और छोटे भाई बाबर को छोटे भाई के रहमत को और मैं खुद अपना खाऊंगा और एक आइटम खुद अपना और मैं कैमरे वाला अहमद भाई ने मेरी उंगली नहीं खाई यार केक तो बहुत जबरदस्त और कैमरे वाले को नहीं खिलाया कैमरे वाले गाइस सीन कुछ ऐसा है मैंने बोला ईद के कपड़े मतलब जिसने पहने सबके दिखाओ मैं अपने भी दिखाता हूँ और एक अल्ट्रा के भी अहमद के भी बाबर के भी पंपी के भी तो बस चेक करते हैं अरे बेकर है बेकर सही है लेकिन मुझे फिर धर्म दोगे हाँ, एक लाख धर्म चाहिए पर चिल्ला से बोलता है समझ रहा है मैं बोल नहीं पाऊंगा यार इतना माजिद एक बात बताओ मैं आपको वहाँ पर भाई बाबा भी बैठे हैं और अम्मी भी बैठी है ज्यादा चिल्लाओगे तो भी समझ जाओ ऐसा करो इतना करो कि हमें आवाज आ जाते लोग देख रहे हैं मुझे शर्म आ रही है बस माजिद ये बात याद रखना अपन ये भाई यार मैंने जल्दी से अपना चैलेंज पूरा कर लिया यार ये लो आपका भाई गिफ्ट लोग ऐसा सस के देख रहे पागल हो गया है क्या गिफ्ट दो चश्मा अपना सूट भी चाहिए मजाक करा जशवंत बाबर आप ले लो बस ले मुझे मान गए ना मैंने डियर कर लिया तुमने करा मैंने आपने सही अहमद इधर आओ तुम्हारे लिए डियर कर लोगे करना पड़ेगा तुम्हें लाजमी पंपी को उठाओ और पंपी को एक पप्पी दो पंपी आ जाओ डियर है भाई डियर दिया पंपी तुम भी पप्पी दे दो पप्पी दे दो अरे वाह दो भाइयों की मैंने यार सुलह करवा दी असल में दोनों लड़ाई हो गई थी ना इन दोनों से तो मैंने बोला इनकी सुलह करवा दूँ तो देखे कितना अच्छा डियर था ऐसे ही आप लोग भी डियर दिया कर अब खाने का वेट करेगा इसके खाना आ जाए तो फटाफट से बस खाना स्टार्ट करेंगे लेट्स सी कब खाना आता है देखे ना भाई पंजा लड़ा रहे पंपी और मैं आ जाओ पंपी पंजा लगाओगे पंपी और तुम मत बच्चा है पंपी तुम्हें जीतना पड़ेगा पंपी तुम्हें जीतना पड़ेगा जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ पंपी जीतो मत जिता दो मत जिता दो और ये गलत है पंपी मेरे साथ लगाओ पंजा आ जाओ मेरे साथ लगाओ पंजा ओ आउट कर दिया ओ ओ वापस लगा रहा है बोला आ जाओ वापस असल में इसे पता है ना ये मोटा बंदा है ये मुझे ओ दिस ओ तो यार देख सकते हो ये अब्दुल एमजे यहाँ क्या समझ आया ये घर नहीं है भीरो मंगी करो ये कैसे बैठे हुए और ये पंपी को भी देखो क्या कर रहा है देखो सो रहा है ये भी इन लोगों को लग रहा है जैसे इनका घर है वैसे ये पाते ही कश्ती जैसे शेप बना हुआ है तो प्यार करते हो ज्यादा कम यार खाना वगैरह हमारा आ चुका है तो देख सकते हैं वाओ यार मतलब मैंने केक आपको दिलाया आपने इतने सारे सामान मेरे लिए लिया यार यही तो यार मुझे जरा सा खुश करो हबीबी भी आ गया भाई खाने की चीज जहाँ पर नजर आती है हबीबी आ जाता है हबीबी यार आज आपके लिए तशरीफ लाए रोल भी आ चुके हैं यम्मी यार हबीबी तो बस यार हम लोग फटाफट से खाना वगैरह स्टार्ट करते हैं लोगों से मिलते हैं
सो गाइस खाना वगैरह खा लिया, बस अब चलने ही करते। ईद का फर्स्ट डे तो बस यही था, आई होप आपको पसंद आएगा।